Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Study College, University of Allahabad. And this time I am discussing with you all the historical perspectives of higher education, in which I have already discussed the historical perspectives of higher education till 1857 from ancient Indian universities. And this time I am going to cover the time period of 1857 to 1947 and the development of higher education in this period. So let's start. हम लोग बात कर रहे हैं भारतवर्ष में उच्च शिक्षा की का कैसे कैसे विकास हुआ है, कहाँ कहाँ से किस किस कौन कौन से आपके इसमें रेजोल्यूशन आए हैं, मिनट्स आए हैं, कमिटीज आई हैं, कमीशंस आए हैं, कौन कौन से उसमें महत्वपूर्ण इवेंट हुए हैं. तो उसमें हम लोगों ने नालंदा तक्षशिला यूनिवर्सिटी से शुरू करते हुए, उसके बाद मेडिवल यूनिवर्सिटीज, उसके बाद आपका कलकत्ता मदरसा, बनारस संस्कृत कॉलेज, करते 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 हम 1857 की तीन यूनिवर्सिटीज तक पहुँच गए थे पिछले लेक्चर में, जिसमें कि कलकत्ता फॉलोड बाई मुंबई एंड मद्रास, मतलब बॉम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटीज का गठन लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पे हुआ, जिसमें कि वाइस चांसलर, चांसलर और सीनेट थे, जैसे कि लंदन यूनिवर्सिटी में होते थे. अब हम कवर करेंगे पीरियड 1857 में पहली यूनिवर्सिटीज बन गई से लेकर 1947 तक, जब तक देश आजाद हुआ तब तक भारतवर्ष में उच्च शिक्षा की क्या व्यवस्था रही, और लास्ट लेक्चर होगा जो कि 1947 से 2020 का टाइम पीरियड कवर करेगा. तो 1857 से 1882, क्यों 1882, क्योंकि 1882 में आपका इंडियन एजुकेशन कमीशन आ रहा है, हंटर कमीशन. ओके, तो द हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ यूनिवर्सिटी वर्क इज मेनली वन ऑफ ग्रोथ द नंबर ऑफ कॉलेजेस एंड स्टूडेंट्स, बट नो न्यू यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1882. बात समझ रहे हैं कि 1857 से 1882 में जो 25 साल है उसमें कोई भी नया विश्वविद्यालय हिंदुस्तान में नहीं बन रहा है, और 25 साल में केवल कॉलेजेस बढ़ रहे हैं और स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ रहा है. लंदन यूनिवर्सिटी हैज सप्लाइड द मॉडल, लंदन यूनिवर्सिटी ने हमें मॉडल दिया, क्यों, क्योंकि बनाने वाले ब्रिटिशर्स थे, तो उनके यहाँ जो यूनिवर्सिटी थी उसी तरह से उन्होंने बना लिया. As affiliating bodies, the universities made it is their sole function to conduct examinations and to regulate the admission of candidates to these through a supervision of the place of instruction. मतलब कि यहाँ पे universities का काम केवल examination conduct कराना और student के admission को conduct करना था, उसको supervise करना था. Elaborate regulations were framed and the freedom of the teacher consequently curtailed. मतलब teacher को कोई इसमें freedom नहीं थी कि आप कुछ तय कर सकते हैं अपने end पे. फिर आता है आपका द एजुकेशन कमीशन ऑफ 1882 या इंडियन एजुकेशन कमीशन आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन कमीशन तो वो हो जाएगा आपका कोठारी कमीशन, है ना, इसको इंडियन एजुकेशन कमीशन होना चाहिए था. तो इन 1882 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ कमीशन टू इंक्वायर इनटू द मैनर इन विच इफेक्ट हैड बीन गिवन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द डिस्पैच ऑफ 1854 एंड टू सजेस्ट सच मेजर्स एज इट मे थिंक डिजायरेबल इन ऑर्डर टू द फर्दर कैरिंग आउट ऑफ द पॉलिसी देयर इन लेड डाउन. मतलब क्यों गठित किया गया ये आयोग, ये देखने के लिए कि वो डिस्पैच ने 1854 में जो प्रिंसिपल्स दिए हैं उसको आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं. दो द वर्किंग ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटीज वर नॉट स्पेसिफिकली इंक्लूडेड विद इन द स्कोप ऑफ द कमीशन, इट कलेक्टेड अ गुड डील ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉलेजेस, स्पेशली विद रिगार्ड टू अटेंडेंस, फीस, डिसिप्लिन एंड लेटर करियर ऑफ स्टूडेंट्स, विच विल बी फाउंड एक्सट्रीमली यूजफुल. एन एक्ट ऑफ 1887 ब्रॉट द अलाहाबाद यूनिवर्सिटी इन टू बींग. ये हमारे लिए जानना जरूरी है कि वैसे इस यूनिवर्सिटी, मतलब इस कमीशन ने कुछ विशेष इंडियन यूनिवर्सिटी के वर्किंग पे नहीं बताया, लेकिन उसने ये डेटा कलेक्ट किया अटेंडेंस के लिए, फी क्या है, डिसिप्लिन कैसा है, और 1887 में एक एक्ट आ रहा है जिससे अलाहाबाद यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है. एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन फ्रॉम 1882 टू 1902. 1902 में एक इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट आ रहा है, इसलिए 1902 तक का समय लिया है. तो द रिकमेंडेशंस ऑफ द इंडियन एजुकेशन कमीशन ऑफ 1882 वर फॉलोड बाय अ रैपिड एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन ड्यूरिंग द नेक्स्ट टू डिकेड्स. यानी कि सॉरी 1882 में ये आपका आ रहा है एजुकेशन कमीशन, और अगले 20 सालों में, मतलब 1882 से 1902 तक एक्सपेंशन हो रहा है हायर एजुकेशन का. द रिकमेंडेशंस आल्सो लेड टू द ग्रोथ ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशंस फोस्टर्ड बाय प्राइवेट इंटरप्राइज वेयर एजुकेशन वाज लेस एक्सपेंसिव एंड इन सम केसेस लेस एफिशिएंट. मतलब बहुत सारे कॉलेजेस बन गए तो शिक्षा जो है थोड़ी सी कम महंगी रह गई और कम एफिशिएंट भी हुई कहीं कहीं इन 1882. अब ये थोड़ा सा आप इससे नंबर आपको पता चल सकता है कि कैसे एक्सपेंशन हुआ हायर एजुकेशन का. तो 1882 में जो नंबर ऑफ कॉलेजेस थे वाज लेस देन 75, 75 से भी कम थे, और ड्यूरिंग द नेक्स्ट डिकेड अगले 10 सालों में 61 न्यू कॉलेज बन गए, है ना.
टोटल नंबर ऑफ एफिलिएटेड कॉलेजेस 1901 1902 में 179 थे, ऑफ विच 126 वर इन ब्रिटिश इंडिया एंड द रेस्ट इन द स्टेट्स बर्मा एंड सीलोन। तो ये एक नंबर है, आप याद रख सके तो याद रखें, वरना कहने की बात यह है कि एक्सपेंशन हो रहा था हायर एजुकेशन में इंस्टीट्यूशन का। फिर आता है आपका यूनिवर्सिटीज कमीशन ऑफ 1902। On 27th January 1902, a commission was appointed to inquire into the condition and prospects of the universities established in British India. देखिए British भारत है उस वक्त, है ना? To consider and report upon any proposals which have been or may be made for improving their constitution and working, and to recommend such measures as may tend to elevate the standard of university teaching and to promote the advancement of learning. 1902 में जो university commission आ रहा है, वो ये inquire करना इसलिए गठित किया गया कि आपके जो universities हैं British भारत में, उनकी condition पे आप बताइए क्या है, आप उसमें कैसे उसको सुधारा जा सकता है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को, उसकी वर्किंग को, लर्निंग को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इन सब बातों के लिए इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन, मतलब ब्रिटिश इंडियन यूनिवर्सिटीज आप या यूनिवर्सिटी कमीशन सिर्फ कहिए, 1902 में गठित होता है। फिर ये क्या रिकमेंडेशंस देता है कि द लीगल पावर्स ऑफ द ओल्डर यूनिवर्सिटीज शुड बी इनलार्ज। वो कह रहा है जो कानूनी अधिकार पुरानी यूनिवर्सिटीज के हैं, कौन सी पुरानी, वही कलकत्ता मुंबई मद्रास, उसको बढ़ाना चाहिए, सो दैट ऑल द यूनिवर्सिटीज मे बी रिकॉग्नाइज्ड एज टीचिंग बॉडीज। देखिए अभी तक यूनिवर्सिटीज जो है वो टीचिंग बॉडीज नहीं हो पाई थी, तो उन्होंने कहा जिससे कि यूनिवर्सिटी टीचिंग बॉडी बन सके। एंड बट द लोकल लिमिट्स ऑफ ईच यूनिवर्सिटी शुड बी मोर एक्यूरेटली डिफाइंड एंड स्टेप्स टेकन टू रिमूव फ्रॉम द कलकत्ता लिस्ट द एफिलिएटेड कॉलेजेस इन द सेंट्रल प्रोविंसेस यूनाइटेड प्रोविंसेस। अगर आपको थोड़ा सा भी हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन पता है तो आपको पता होगा कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो थी, कलकत्ता विश्वविद्यालय, उस पर बहुत भार था, बहुत बहुत कॉलेजेस उससे एफिलिएटेड हो गए थे। तो बाद में जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन आ रहा है जो 1917 में, जिसको सेटलर कमीशन भी कहते हैं, उसने यही कहा कि थोड़ा सा उस पर से बोझ कम करिए। और क्या कहा इसने, दी सीनेट दी सिंडिकेट एंड दी फैकल्टीज हैव टू बी रिकॉग्नाइज रीऑर्गेनाइज्ड एंड मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव देन बिफोर। उसने कहा सीनेट सिंडिकेट और फैकल्टी को मोर रिप्रेजेंटेटिव बनाइए, एफिलिएशन रूल बनाइए, है ना, और देयर शुड बी अ प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड गवर्निंग बॉडी फॉर ईच कॉलेज। सोचिए यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 का कह रहा है, 100 साल पुराना, कि हर कॉलेज के लिए एक प्रॉपर गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए। अटेंशन शुड बी पे टू द डिसिप्लिन ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के अनुशासन पर ध्यान देना चाहिए। द कोर्सेज एंड मेथड्स ऑफ एग्जामिनेशन इन ऑल सब्जेक्ट्स हैव टू बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सजेशंस मेड इन द रिपोर्ट। और जो रिपोर्ट में सजेशंस दिए गए हैं उसके हिसाब से एग्जामिनेशन का और कोर्स का मेथड चेंज होना चाहिए। फिर और क्या कह रहा है ये, द यूनिवर्सिटी, फिर एक यूनिवर्सिटी एक्ट आता है 1904 में, और इसने भी इम्बॉडीड द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन, मतलब जो 1902 के कमीशन ने कहा उसी को ये मतलब इम्प्लीमेंट करते हुए यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में आ रहा है, और ये सब भी बता रहा है कि क्या क्या कैसे होना चाहिए। इंडियन ओपिनियन वॉज वेरी क्रिटिकल ऑफ दिस एक्ट एज द नंबर ऑफ सीट्स इन द सीनेट थ्रोन ओपन टू इलेक्शंस। कि भारतीय इसके बहुत क्रिटिक थे, आलोचक थे, क्योंकि इन्होंने कहा था कि सीनेट जो है वो इलेक्शन से चुने जाएंगे, और मतलब भारतीयों का प्रतिनिधित्व इसमें बहुत कम था, इस तरीके की बातें चल रही थी। फिर आता है आपका गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशनल पॉलिसी 1913। 1913 में एक गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन आता है, इसमें कहा गया इट इंडिकेटेड दैट इज इंडिया वुड नॉट बी एबल टू डिस्पेंस ऑल टुगेदर विद द एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट वाज नेसेसरी टू रिस्ट्रिक्ट द एरिया ओवर विच सच यूनिवर्सिटीज वुड हैव कंट्रोल, एंड सेकेंडली टू क्रिएट न्यू टीचिंग एंड रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज विद इन ईच ऑफ द प्रोविंसेस। वो कह रहा है कि चूंकि बच्चे ज्यादा हो गए हैं, स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, उतना आप कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप नए यूनिवर्सिटीज बना लीजिए। तो फिर यूनिवर्सिटी बनाई गई डक्का, मतलब ढाका जिसको कह रहे हैं, अलीगढ़, बनारस, बाई लदर यूनिवर्सिटीज वुड बी एस्टैब्लिश्ड एट रंगून, पटना और नागपुर में बनाई गई। फिर इसमें आपके जानने की क्या बात है कि इसी रेजोल्यूशन से दो यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, बनारस में और पटना में, वर फाउंडेड इन 1916 एंड 1917। तो हमारे लिए जानने का क्या क्रम है कि कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास बनती है, फिर अलाहाबाद बनती है, फिर बनारस बनती है। दी फॉर्मर इंटेंडेड टू डेवलप हिंदू कल्चर एंड दी स्टडी ऑफ अप्लाइड साइंसेज ओड इट्स एग्जिस्टेंस टू अनटायरिंग एफर्ट्स ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय, एंड दी लेटर वॉज मेंट टू केटर टू द नीड्स ऑफ द न्यू प्रोविंस ऑफ बिहार एंड उड़ीसा। यानी कि जो पटना वाली बन रही है वो बिहार और उड़ीसा के लोगों, मतलब स्टूडेंट्स को केटर कर रही है, और जो आपकी बन रही है बनारस में वो पंडित मदन मोहन मालवीय के अनटायरिंग एफर्ट से बन रही है, और हिंदू कल्चर और इन सब चीज़ों के डेवलपमेंट के लिए बन रही है। तो आप ऐसे क्रम याद रख सकते हैं। फिर आपका आता है कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, जो कि 1917 में आया, सैडलर कमीशन के नाम से जाना जाता है। इन 1916 द कलकत्ता यूनिवर्सिटी वांटेड टू ब्रेक फ्रेश ग्राउंड थ्रू द क्रिएशन ऑफ इट्स पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट्स। मतलब 1916 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आप कह सकते हैं कि पीजी डिपार्टमेंट्स बनते हैं,
देयर वॉज प्रैक्टिकली नो प्रोविजन सो फार फॉर डायरेक्ट टीचिंग बाई द यूनिवर्सिटी एंड नाउ अंडर द डोमिनेटिंग लीडरशिप ऑफ सर आशुतोष मुखर्जी द यूनिवर्सिटी डिसाइडेड टू कंसेंट्रेट पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग डायरेक्टली इन द यूनिवर्सिटी एंड अपॉइंटेड ए नंबर ऑफ लेक्चरर्स एंड प्रोफेसर्स फॉर द पर्पस. समझ रहे हैं कि पहले की जो टीचिंग यूनिवर्सिटीज थी वो टीचिंग बॉडीज नहीं थी, सिर्फ एग्जामिनेशन बॉडीज थी. तो यहाँ पहली बार पीजी कोर्स शुरू किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पीजी की पढ़ाई यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली होगी और उसके लिए लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं. उसी तरह से दी कमीशन सबमिटेड ए वॉल्यूमिनस, अच्छा एक और आपकी जानकारी के लिए, कि दी टर्म्स ऑफ रेफरेंस इंक्लूडेड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉलेजिएट इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट्स परव्यू एंड इट वाज एक्सपेक्टेड टू स्टडी ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग ऑफ अदर इंडियन यूनिवर्सिटीज टू हेल्प इट टू फॉर्मुलेट द पॉलिसी ऑफ द कलकत्ता यूनिवर्सिटी. आप सैडलर कमीशन को डिटेल में पढ़ सकते हैं तो इससे आपको पता चल जाएगा. तो और इसकी मेन रिकमेंडेशंस क्या थी कि द इंटरमीडिएट क्लासेस ऑफ द यूनिवर्सिटी वर टू बी ट्रांसफर टू सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन. देखिए आपको बड़ा जानकर आश्चर्य होगा कि उस वक्त सेकेंडरी एजुकेशन की पढ़ाई भी यूनिवर्सिटी में होती थी, इसीलिए तो और बोझ आ गया था ना, सेकेंडरी एजुकेशन के भी बच्चे हैं, हायर एजुकेशन के भी बच्चे हैं. तो यहाँ कहा गया कि सेकेंडरी एजुकेशन को आप अलग कर दीजिए और उसके लिए आप सेकेंडरी और इंटरमीडिएट एजुकेशन के लिए एक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बना दीजिए और ये यूनिवर्सिटी से गवर्न नहीं होगा, ये सबसे खास बात है. और कहा गया कि ड्यूरेशन ऑफ द डिग्री कोर्स शुड बी 3 years, जो डिग्री का कोर्स का कार्यकाल है वो 3 साल का होगा. और विमेन एजुकेशन को खास बात दी जाए, ध्यान दिया जाएगा, ये यहाँ पे कहा गया. वोकेशनल और प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, ये भी कहीं कहा गया. और ये कहा गया कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर मोस्ट सब्जेक्ट्स अप टू हाई स्कूल स्टेज वाज टू बी वर्नेकुलर. वो कह रहे हैं कि हाई स्कूल तक आप देशी लोकल नेटिव लैंग्वेज में बच्चे को पढ़ाइए, पर बाद में आपको इंग्लिश में पढ़ाना होगा. ठीक है. अब राइज ऑफ न्यू यूनिवर्सिटीज, अब कुछ नए विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, जैसे कि ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में, फिर आपका मेयो कॉलेज अलीगढ़ में 1875 में सर सैयद अहमद ने खोला और बाद में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, है ना. उसी तरह से यूनाइटेड प्रोविंसेस एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशंस ऑफ द कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन एंड कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1921 अ बोर्ड ऑफ हाई स्कूल. और इसी क्रम में लास्ट में लखनऊ यूनिवर्सिटी भी आपकी खुल जा रही है. कैनिंग कॉलेज एंड किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, जिसको आप KGMC के नाम से जानते हैं, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में मर्ज हो जा रहा है. और म्यूर सेंट्रल कॉलेज और ECC और कायस्थ पाठशाला कॉलेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मर्ज हो जा रहा है. तो देखिए ये सब आपके रोचक बातें हैं जो हमें नहीं पता रहती हैं. इसी क्रम में ऑफ दीज न्यू यूनिवर्सिटी, बनारस इज द टीचिंग यूनिवर्सिटी डायरेक्टली अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स टेरिटोरियल जरिस्डिक्शन इज कन्फाइंड बाय द एक्ट टू द रिकॉग्निशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉलेजेस एट बनारस. मतलब बनारस एक टीचिंग यूनिवर्सिटी बन जा रही है, सारे कॉलेजेस उससे एफिलिएटेड हो जा रहे हैं. उसके बाद आपका अलाहाबाद मेंटेन द टू फोल्ड एक्टिविटी ऑफ टीचिंग एंड एफिलिएशन फॉर 5 years टिल इट्स एक्सटर्नल साइट वाज रिमूव्ड टू आगरा. मतलब पहले आगरा भी इसी में मर्ज था, फिर आगरा को अलग किया जा रहा है. इस तरह से हमारा राइज ऑफ न्यू यूनिवर्सिटी, मतलब नए नए विश्वविद्यालय. इसको पूरा वर्ड टू वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है आपके लिए, आप इसको पढ़िए, याद करिए जितना याद कर सकते हैं. रुड़की यूनिवर्सिटी खुल रही है. यूनिवर्सिटी टीचर्स आर नॉट ओवर बर्डन विद रूटीन ड्यूटीज इन टीचिंग एंड आर इनकरेज टू अंडरटेक रिसर्च. देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो यूनिवर्सिटी का शिक्षक है उसको आप सिर्फ शिक्षण में मत इंगेज रखिए, बल्कि वो रिसर्च और अनुसंधान भी करे. और बाद में आपका बन रहा है इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड IUB विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द, क्यों इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की क्यों जरूरत पड़ी, अभी इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हो गई ना तो आपस में कैसे कम्युनिकेशन करेंगी. विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू यूनिवर्सिटीज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ सम एजेंसी टू कोऑर्डिनेट देयर वर्क. कैसे कोऑर्डिनेशन होगा तो एक कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज हेल्ड इन 1924 1924 में एक भारतीय विश्वविद्यालयों का कॉन्फ्रेंस होती है और उसके अंतर्गत एक इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड बनाया जाता है जिसके काम क्या थे, टू एक्ट एज एन इंटर यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन. मतलब इंटर यूनिवर्सिटी के बीच यूनिवर्सिटीज के बीच में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करेगा, एक्सचेंज ऑफ प्रोफेसर हो सकते हैं, सर्व एज एन ऑथराइज चैनल ऑफ कम्युनिकेशन एंड फैसिलिटेट द कोऑर्डिनेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी वर्क, टू असिस्ट इंडियन यूनिवर्सिटीज टू गेट रिकॉग्निशन फॉर देयर डिग्रीज एंड डिप्लोमाज इन अदर कंट्रीज. मतलब भारतीय विश्वविद्यालय बाहर के देशों में कैसे डिग्री और डिप्लोमा इनका रिकॉग्नाइज हो सकता है, उसके लिए इसने हेल्प की टू अपॉइंट ए कॉमन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया एट इंपीरियल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस ऑन इंडियन एजुकेशन. मतलब मान लीजिए बाहर कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है तो भारत से कौन रिप्रेजेंटेटिव होगा यूनिवर्सिटी एजुकेशन का, तो उसके लिए भी इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव बनाने की बात कही. तो मतलब सारी यूनिवर्सिटीज के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए ये बनाया गया. अच्छा यहीं पे ये खत्म हो जा रहा है. क्यों? क्योंकि मैं जो लगा एक स्लाइड और है, क्योंकि इसी इंटर यूनिवर्सिटी जो बोर्ड है आपका, यही बाद में रिकमेंड करता है भारत की आजादी के बाद, जब आपका 1948 में राधाकृष्णन कमीशन की स्थापना होती है.
बीच में मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ी क्योंकि वो थ्योरेटिकल है, आप उसको समझ लीजिए, याद कर लीजिए जितना आपके आपके क्वेश्चन के हिसाब से रिक्वायरमेंट है। पर इस तरीके से भारतवर्ष में टिल 1947 उच्च शिक्षा का विकास हुआ, और उसके बाद आप जानते ही हैं कि जैसे ही भारत आजाद हुआ वैसे ही हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन या राधा कृष्णन कमीशन बन जाता है। फिर हमको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने तो थोड़ा बहुत यूनिवर्सिटी के लिए कहा है, कोठारी कमीशन ने मेनली कहा है कोठारी कमीशन, फिर आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, फिर आपका नेशनल नॉलेज कमीशन 2009-10, और उसके बाद राष्ट्रीय आपकी नवीनतम शिक्षा नीति 2020। इतना पढ़ेंगे आप, इतना इतने की रिकमेंडेशन देखेंगे तो आपको हायर एजुकेशन का पूरा तक नालंदा तक्षशिला से लेकर इस वक्त तक का काल चित्र आपके सामने प्रकट हो जाएगा। ओके, सो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड दिस सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम माई साइड।